हेलो एवरीवन, फाइनली 3 साल का सफ़र असिस्टेंट लोको पायलट का आज समाप्त हो जाएगा। बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद आज टेक्निकल डेजिग्नेशन मुझे मिलने वाला है। मेरी पोस्टिंग आगरा डिवीज़न में है, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है। और बोला गया कि भाई आपको सेकंड हाफ जो है उसमें आपको मिल जाएगी टेक्निकल डेजिग्नेशन। उसके लिए भी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हो गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए, तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के हेल्प से भी आपको, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो फिलहाल तो भाई 3 साल की सफ़र समाप्त होने वाली है, क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन किया था 31 अक्टूबर 2019 में किया हुआ था। और मेरा रेजिग्नेशन डेट आज हो जाएगा आपका 29 दिसंबर 2022। लगभग 3 साल का सफ़र, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, नहीं रहा, ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है जॉब में और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, वो भी मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस के हेल्प से। तो देखते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलेगा तो उस टाइम क्या कंडीशन रहती है मेरी, मतलब क्या एक्सप्रेशन रहेंगे, क्योंकि फाइनली तो भाई पदमुक्त होने वाला हूँ ना। और टेक्निकल रेजिग्नेशन का बेनिफिट मैंने आपको भी बताया था कि अगर आप कम बैक आना चाहते हो तो एक टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड के बीच में आप आके यहाँ पे मतलब उसको फिर से आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप हायर ग्रेड के अगर आप जाते हो तो जनरली लोग नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज़ अगर आपको जिस जॉब में गए उसमें मज़ा नहीं आया, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन से बेनिफिट होगा, फिर उसमें एक टाइम ड्यूरेशन जो रहता है उसके अंदर में आके आप उस जॉब को फिर से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, टेक्निकल रेजिग्नेशन जब मिलेगा तो उसकी क्या प्रक्रिया रही है। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने से ज़्यादा मुझे लगा कि यार छोड़ने में उस पर प्रोसेस होती है, ठीक है। ज़रा सी भी अगर कोई चार्जशीट के नाम पर रहेगी तो भाई ये छोड़ेंगे नहीं, भले आपको कोई सा भी ग्रेड में आपको जॉब लग जाए, ए ग्रेड हो चाहे कोई भी जॉब हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ जब टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाएगी तो, ठीक है, चलो बाय। फाइनली टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल गया मेरा, रात हो गया, देख सकते हो आप, ये टेक्निकल रेजिग्नेशन है। इसमें मेरा सर्विस पीरियड दिखाया गया है 3 ईयर 1 मंथ 26 डे। तो क्या ऐसा रहा 3 साल का सफ़र, मैं किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आपको, ताकि आपको भी पता चले भाई एलपी की जॉब है कैसे एक्चुअली में, और टेक्निकल रेजिग्नेशन का क्या प्रोसेस होता है वो भी बताने वाला हूँ। देखो ये आज लास्ट डे रहा मेरा आगरा डिवीज़न में, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे भी आपका रांची बोर्ड का ही एक पार्ट है। भाई फाइनली ये रेजिग्नेशन मिल गया है, अब नेक्स्ट जेई का ट्रेनिंग है, ठीक है। तो सफ़र 3 साल का डिस्कस करूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।